हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू बी फ्री मेड सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 4 मैंने बता दिया था, सॉल्व कर दिया था, और 5 मैंने कहा था कि आप लोग खुद से सॉल्व कर देना, मैंने समझा दिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर 17 का एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो जाए। ओके, दैट इज टाइम ऑफ वर्क, टाइम एंड वॉक एंड समय और कार्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ेदार है, आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ये पूरा रूल ऑफ थ्री जैसे आप लोगों ने बनाया है उसी के अनुसार ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहती हूँ कि गाइज प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसमें 7, 8, 9, 10 सबके वीडियोस मिलेंगे। सो यदि आपके यंगर्स एल्डर्स जो भी हो आपके आसपास, प्लीज़ उन्हें शेयर ज़रूर करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, कुसुम के कारखाने में 35 लोग एक सप्ताह में 10 टन लोहे के यंत्रों को ढालते हैं। मालिक को एक सप्ताह में 14 टन लोहा के यंत्रों को ढालने का काम मिला है, उसे और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा? यह समानुपात बनाकर हमें हल करना है, ठीक है, और संपर्क भी इसका लिखना है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो जैसे कि यहाँ पहले है 35 यहाँ पे पीपल है, और यहाँ कितना टन यंत्र, यहाँ पे लोहे का यंत्र ढालने को बोला जा रहा है, तो यहाँ 10 टन है, ठीक है। अब 14 टन, यानी देखो जब हमारा यहाँ पे बढ़ गया, क्वांटिटी यहाँ बढ़ गया है, यानी पहले 10 टन था, अब 14 टन हो गया है, तो ऑब्वियसली हमारे लोग भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो लोग निकलेंगे, अब उसमें से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसे और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा निकलेगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे ये 35 को, तभी हमारा वो एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ और कितने लोगों को, यानी और कितने लोगों को उसने ये किया है और नियुक्त किया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यदि हम जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा आंसर तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो 35 मिल के होगा, इसीलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ माइनस करने को। चलो इसे बनाते हैं। सो पहले हम लिखेंगे इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल। ओके, नंबर ऑफ पीपल, और इधर दिया हुआ है आयरन का ये क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी ऑफ आयरन, लोहे का क्वांटिटी, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल है। अब पहले दिया हुआ है कि 35 लोग हैं, और इधर क्वांटिटी है 10 टन, यहाँ पे मैं टन यहाँ लिख दे रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन मार्क, और इधर हो जा रहा है 14। ध्यान से देखना, 14 जब आदमी यहाँ, जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आदमी भी बढ़ाना होगा, सो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि इफ द क्वांटिटी ऑफ आयरन इंक्रीजेज, देन क्वांटिटी ऑफ आयरन इंक्रीजेज, देन नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, विल इंक्रीजेस, ओके, सो इट इज डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू एक्स, सो 35 by x इक्वल टू 10 by 14 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 10x इक्वल टू 35 into 14, सो x इक्वल टू 35 into 14 by 10, 2 7 जा 2 5 जा 5 7 जा,
दैट इज़ एक्स इक्वल टू कितना आया, 49 आया। ये हमारा एग्जैक्ट तो नहीं हुआ 49, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि और कितने लोगों को हमने यहाँ पे अपॉइंट किया है, तो हम यहाँ वही लिखेंगे। सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पीपल इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हमें माइनस करना होगा 49 माइनस कितना था पहले, 35 था, ठीक है, दैट इज़ 14। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 पीपल मोर 14 पीपल, यहाँ ऐसे लिख दो, सो मोर 14 पीपल विल बी अपॉइंटेड। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी था ना, बहुत इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसे आराम से बना सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद ही बना लोगे, वही है, पहले इसको क्या करना होगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना होगा, उसके बाद ये बना लेना होगा। यहाँ पे लोगों की संख्या दी हुई है और काम का परिणाम यानी कि साइकिल की संख्या, पहले यहाँ पे लोग थे 9 और यहाँ साइकिल का परिमाण कितना, साइकिल की संख्या सॉरी नंबर ऑफ साइकिल था 6, उसके बाद अब यहाँ 72 हो गया है, तो यहाँ पे कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, इसका मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख दे रही हूँ, बाकी आप लोग इसे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 9 दिया हुआ है लोगों की संख्या और साइकिल की संख्या 6 है, इधर 72 है और इधर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें कैसे इसे लिखना होगा। पहले हम लिखेंगे इफ़ नाइन यहाँ पीपल है, ओके, इफ़ 9 पीपल मेक 6 साइकिल, ठीक है, 6 साइकिल एवरी डे, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है इसको, ठीक है, एवरी डे देन 72 पीपल विल मेक हाउ मेनी साइकिल, कितना साइकिल बना सकते हैं। ओके, यही है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ कितना है, जैसे नंबर ऑफ पीपल है इधर और इधर है साइकिल, ओके, तो इधर है हमारा 9 और इधर दिया है 6 साइकिल, ये साइकिल है, इधर 72 है तो इधर क्वेश्चन मार्क, जब 72 पीपल होंगे तो ऑब्वियसली साइकिल का परिमाण भी बढ़ेगा, साइकिल की संख्या भी बढ़ेगी, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बस इसको x मान लेना है, 6/x होगा और उसके बाद इधर 9/72, सो 9x इक्वल टू 72 × 6, सो x इक्वल टू 72 × 6/9। तो इस तरह से आप लोग इसका ये कर लोगे, सॉल्यूशन कर लोगे, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये 9 है, देखो यहाँ कट भी जा रहा है, सो 48 आ भी गया आंसर, तो ये साइकिल का हमारा परिमाण यहाँ पे निकल गया 48। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हमारे मोहल्ले का एक तालाब काटना है, 24 लोगों को उस तालाब को काटने में 12 दिन लगता है, 8 दिन में उस तालाब को काटने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें निकालना है। मोहल्ले में क्या काटना है, तालाब काटना है, 24 लोगों को उस तालाब को काटने में कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। अब 8 दिन में उस तालाब को, यदि देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले तो 12 दिन में 24 लोगों को ये करना था, लेकिन अब क्या हो गया कि 8 दिन में उसे करने का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, 8 दिन में ये पूरा तालाब काटने की ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ पे लोगों की संख्या अब क्या करनी पड़ेगी, जब यहाँ दिन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जल्दी काम होगा, इसीलिए यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी पहले देखो पहले था 12 डेज और इधर था 24 पीपल, लेकिन अब हमारा 8 दिन हो गया है, दिन कम हो गया है, ठीक है, जब 8 दिन हो जाएगा तो काम हमारा जल्दी करने के लिए पीपल को बढ़ाना होगा, लोगों को बढ़ाना होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जब ये घट रहा है तो दिन बढ़ेगा, इसका मतलब है क्या कि दिन जब घट रहा है तो आदमी बढ़ेंगे, इसलिए ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आते हैं, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, चलो इसे बनाते हैं। सो हम पहले लिखेंगे इन मैथमेटिकल लैंग्वेज,
इन मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ पे पहले दिया है दिन और इधर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, पहले दिया हुआ है 12 डेज और इधर दिया हुआ है 24 पीपल, ओके। उसके बाद इधर अब 8 दिन हो गया, 8 डेज हो गया है, तो इधर क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे यहाँ इफ डेज डिक्रीज देन नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज विल इंक्रीज, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस तरह से, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू एक्स, ठीक है, सो 24 बाई एक्स इक्वल टू, इसको वही रहने देते हैं, इसको बस चेंज कर देते हैं, यानी कि ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 बाई 12 होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 12 बाई 8 होता, लेकिन यहाँ अब क्या हो गया, 8 बाई 12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x इक्वल टू 12 इंटू 24, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 24 बाई 8, ठीक है, 3 दैट इज 36, तो ये हमारा हो गया 36, क्या आया, नंबर ऑफ पीपल। तो हम यहाँ वही लिखेंगे, सो टू डिग द पॉन्ड इन 8 डेज मोर मैन 36 विल बी नीडेड, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 और उतना ही इजी भी, ओके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, बल्ब बनाने में एक समवाय कारखाना में 45 लोग 12 दिन में 10,000 बल्ब बनाते हैं। अचानक एक ऑर्डर मिलने पे 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाना होगा। पहले कितना था, 12 डेज था, अब 9 डेज हो गया, ठीक है। तो समय पर काम कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों को नियुक्त करना होगा और कितने लोगों को, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यही डिफरेंस है। इसमें क्या था कि 8 दिन में उन तालाब को पूरा कंप्लीट करने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बस यहाँ पूछा था कितने लोगों की, और यहाँ क्या बोल रहा है, और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा, यानी और कितने लोग एक्स्ट्रा में बढ़ेंगे। तो पहले तो था वही 45 ये थे पीपल थे, अब 12 दिन यहाँ पे हो गया, 12 दिन था और अब 9 दिन हो गया है। देखो यहाँ जो बल्ब है, बल्ब का सेम वहाँ पे पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये 3 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि एक और यहाँ एक्स्ट्रा में बल्ब दे दिया है। सो ये 10 का 10 ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पे देखना है, पहले 45 डेज था, सॉरी 45 पीपल थे, अब यहाँ देखो 12 डेज था और 9 डेज हो गया है, और यहाँ पे समय पे काम कंप्लीट करने की कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहले लिखेंगे डेज इधर, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज आप लोग लिख लेना डेज, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। डेज में देखो यहाँ दिया हुआ है, डेज है 12 डेज है पहले, उसके बाद इधर नंबर ऑफ पीपल है 45, ओके। और अब हो गया 9 डेज, तो इधर है क्वेश्चन मार्क, ओके। तो जब दिन कम होगा तो ऑब्वियसली आदमी यहाँ बढ़ेगा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द डेज इन डिक्रीज देन पीपल will increase, okay, so they are inversely proportional, inversely proportional. Let number of people equal to x मान लेते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या करना होगा, 45/x ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इस तरह से एयर हो जाएगा, दैट इज 9/12 हो जाएगा, पलट जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में. सो 9x = 12 × 45, सो x = 12 × 45/9, ठीक है, 9 × 5 = 45, दैट इज 60. तो ये आ गया हमारा x, यानी नंबर ऑफ पीपल. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो जो नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे x यानी 60 आया, यहाँ वो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने और लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, कितने और लोगों को अपॉइंट किया गया है, ठीक है. तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, सो यहाँ लिखेंगे मोर नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 60 − 45 करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पहले तो ये जो 45 के अनुसार इसमें, यानी ये 60 में 45 भी इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, कितने और लोगों को बुलाया गया है ये हमें निकालना है, ठीक है. तो वही मैं कर रही हूँ, मोर नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 60 − 45, दैट इज 15. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, मोर 15 पीपल, यहाँ लिख दे रही हूँ, मोर 15 पीपल विल बी अपॉइंटेड. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बन गया. क्वेश्चन आसान था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये सब 8, 9, 10 भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को 10 अब बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 250 लोगों को 50 मीटर लंबे 35 मीटर चौड़े एक तालाब काटने में 18 दिन लगता है, इसी प्रकार का 70 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े तालाब को काटने में 300 लोगों को कितने दिन लगेंगे. यहाँ पे देखो, पहले तो 250 लोग हैं, 300 लोग हैं और 18 दिन पहले लगता है, अब यहाँ के क्वेश्चन मार्क है, तो ये दो एक यहाँ पे एक और तालाब दे, दो तालाब है, पहले तो 50 मीटर यहाँ लेंथ और ब्रिथ दे दिया है, यहाँ भी एक दूसरा तालाब है, 70 मीटर लेंथ है उसका और ब्रिथ है 40 मीटर, ठीक है. तो ये इनका पहले एरिया, हमें दोनों का एरिया भी निकालना होगा, उसके बाद हमें ये दिन से काम करना होगा. यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कितने दिन लगेंगे, यानी हमें डेज निकालना है, ठीक है, चलो बनाते हैं. सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, पहले इन मैथमेटिकल लैंग्वेज नंबर ऑफ पीपल, गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ पॉन्ड, उसके बाद है इधर डेज, ठीक है. पहले नंबर ऑफ पीपल कितना दिया है, 250 दिया है, ठीक है, और यहाँ देखो पहले 250 है और लेंथ और ब्रिथ कितना है पॉन्ड का, तो 50 मीटर लेंथ और 35 मीटर चौड़ाई यानी ब्रिथ है. तो एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रिथ, दैट इज 50 × 35, ठीक है. सो 50 × 35 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ स्क्वायर मीटर, ओके. और डेज कितना यहाँ पे दिया हुआ है, तो 18 डेज दिया है, तो 18 डेज लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद इधर 300 अब हो गया है नंबर ऑफ पीपल, और इधर एरिया अब बढ़ गया है, पहले 50 × 35 था, अब यहाँ देखो लंबाई हो गया है 70 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 40. सो हम यहाँ पे 70 × 40 कर रही हूँ, मैं एरिया डायरेक्ट निकाल रही हूँ स्क्वायर मीटर, और इधर ये क्वेश्चन मार्क. तो इतना देखना, यहाँ पे ध्यान दो, जब दिन बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो दिन नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली डेज कम हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाएगा, जब जैसे आदमी बढ़ेंगे तो काम का स्पीड भी बढ़ेगा, सो दिन कम लगेंगे. तो इसके साथ ये जब बढ़ रहा है तो ये घटेगा, इसके साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. लेकिन यहाँ पे देखो, इसके साथ एरिया ऑफ पॉइंट, यहाँ पे देखो जब एरिया ऑफ पॉइंट हमारा 50 × 35 है और अब ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली दिन भी ज़्यादा लगेगा, पहले कम था तो कम लगता है, और यहाँ अब दिन, यहाँ एरिया बढ़ गया है, सो दिन भी बढ़ेगा काम करने का, सो इसके साथ क्या है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. तो इसके साथ डायरेक्टली और इसके साथ इन्वर्सली, तो ये हमें पहले लिखना होगा, ठीक है. सो लिखेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ पीपल
इंक्रीज इंक्रीज देन डेज विल नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज देन डेज विल डिक्रीज सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट वेन एरिया ऑफ पॉन्ड इंक्रीज देन डेज विल इंक्रीज ओके डेज भी बढ़ेगा सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके बाद लिख लेते हैं लेट डेज डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू एक्स ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी पी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 18 बाई एक्स इसके साथ क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमें पलट जाना पड़ता है यानी कि नीचे का ऊपर का नीचे सो 300 बाई 250 हो जाएगा और इनटू इसके साथ क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी सेम उसी तरह लिख देना होगा दैट इज 50 इंटू 35 बाई 70 इंटू 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 300 इंटू देखो x के साथ जो है ये x इंटू 300 इंटू 50 इंटू 35 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ 18 इंटू 250 इंटू 70 इंटू 40 ठीक है सो x इक्वल टू 18 इंटू 250 इंटू 70 इंटू 40 बाई 300 इंटू 50 इंटू 35 एक्स के साथ जो भी रहता है वो नीचे चला जाता है ठीक है अब देखो ये 20 के साथ 120 कैंसिल हो गया 10 के साथ 10 कैंसिल 55 जा 25 उसके बाद यहाँ पे देखो 57 जा ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया ये 3 से 6 10 ओके सो यहाँ पे कितना हो बचा 6 और इधर 4 बचा सो 6 इंटू 4 दैट इज 24 एक्स क्या माने थे हम लोग डेज माने थे तो यहाँ पे लिखेंगे सो रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू 24 ये हो गया हमारा आंसर तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारा ये वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 17.1 अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 17.2 से स्टार्ट करेंगे आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा ये बहुत ही मैंने आसान तरीके से बताया है ओके सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय